वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं वर्कशीट नंबर 29 जो कि है 9th ऑफ सितंबर की। इस वर्कशीट में हम मैथ्स की जो वर्कशीट देख रहे हैं क्लास 9th की, उसके अंदर टॉपिक है हमारा कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स। तो पिछले दो वर्कशीट में हम कॉन्ग्रुएंसी रिलेटेड वर्कशीट कर चुके हैं, आइए चलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसकी क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया का मतलब रूल्स है, ठीक है। पहले हमने समझा था कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है, फिर दोबारा एक बार समझा देता हूँ। जब दो चीजें एक दूसरे के ऊपर पूरे तरीके से ओवरलैप कर जाएं तो उसे कहते हैं कॉन्ग्रुएंसी। जैसे आपके दोनों हाथ एक के साथ, किसी को आप नमस्ते बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, तो दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाते हैं तो इसका मतलब आपका राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉन्ग्रुएंट है। उम्मीद करता हूँ एक हाथ बड़ा नहीं है। तो ये तो हो गई कॉन्ग्रुएंसी की बात, मतलब क्या है उसका। अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल्स। देखिए ट्राइंगल्स के अंदर कुछ खास बात है कि इसके अंदर छह एलिमेंट्स होते हैं। क्या बोला मैंने, छह एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का मतलब हो गया तीन साइड्स और तीन एंगल्स, ठीक है। अब इन तीन की मदद से, छह एलिमेंट्स की मदद से हमें कोई भी तीन क्राइटेरिया चाहिए होते हैं। पहला होता है SSS, मतलब तीनों की तीनों साइड पहले की दूसरे से मिल जाए। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर होगा, बहुत ही लाइट कलर से लिखा हुआ है। ये वाली लाइन इक्वल है, ये वाली लाइन से इक्वल है, और ये वाली लाइन से इक्वल है। तो अगर ऐसा कंडीशन मिल जाए तो इसका मतलब दोनों के दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट है। कॉन्ग्रेंट का मतलब ये इसके ऊपर अगर रख दिया जाए तो एकदम ओवरलैप कर जाएगा इसको, ठीक है। तो अगर ऐसा SSS कंडीशन क्राइटेरिया उसको बोलते हैं। अब दूसरा होता है SAS। SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। इसके अंदर एक खास बात समझने वाली है कि जो एंगल है वो दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। आइए चलते हैं इसको एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ये वाली जो साइड है ये वाली साइड से इक्वल है, ये वाला जो एंगल है वो ये वाले एंगल से इक्वल है। अब ये देखें 40 डिग्री, ये 40 डिग्री भी इक्वल हो गया, तो इस वजह से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का सिंबल याद है ना, इस तरीके से करके ऊपर सांप लोटा हुआ है, ठीक है। अब अगर ये 40 डिग्री नहीं दिया होता, ये 40 डिग्री यहाँ दे देते सपोज, तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होते। तो क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने एक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन बोली कि एंगल जो होना चाहिए वो बीच में होना चाहिए। देख रहे हैं हम अभी तक तीन चीजें ले रहे हैं, मैंने बोला तीन साइड है तीन एंगल है, लेकिन अभी तो हमने साइड एंगल साइड लिया, मतलब कोई तीन चीजें ली, तो बाकी तीन चीजें जो होती हैं वो भी इक्वल हो जाती हैं। वो होती हैं CPCT से, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। ये हमने लास्ट वर्कशीट में देख लिया था, आप प्लीज उसको रिवाइज कर लें। तो पिछली वर्कशीट के जो नोट्स हैं वो जरूर बना लिया करें, इस तरीके से ही आपको समझ में आएगा। आगे देख लेते हैं, दो और क्राइटेरिया है। तीसरा जो क्राइटेरिया है वो है एंगल साइड एंगल। क्या बोला मैंने, एंगल साइड एंगल। अब आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा कि एंगल, दो एंगल दे रखे होंगे इक्वल और साइड जो होगी वो बीच में होनी चाहिए। आइए चलते हैं इसको देख लेते हैं। ये देखें एंगल 70 डिग्री, ये दोनों इक्वल है, 75 डिग्री ये दोनों इक्वल है, ये साइड देख रहे हैं इन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों इक्वल हो गए। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तो ये दोनों ट्राइंगल भी क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। लास्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, वो है RHS। RHS की फुल फॉर्म होती है राइट एंगल, राइट एंगल हाइपोटेनियस, ठीक है, यहां लिखा है हाइपोटेनियस, और तीसरा हो गया साइड। ये तीन चीजें होनी चाहिए, मतलब एक जो एंगल दे रखा होना चाहिए वो 90 डिग्री का होना चाहिए, इसे कहते हैं राइट एंगल। उसके सामने वाली साइड जो है वो हाइपोटेनियस होती है, वो दोनों भी इक्वल होनी चाहिए, और दोनों में से कोई भी एक साइड भी इक्वल होनी चाहिए, इसे कहते हैं राइट एंगल हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। इसमें और ये वाली में, ये साइड एंगल साइड वाले में बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। अगर ये 90 डिग्री की जगह पर यहाँ पे कोई एंगल दे रखा होता, ठीक है, 30 डिग्री सपोज, ये दोनों एंगल 30 डिग्री दे रखे होते, तो यहाँ पे साइड एंगल साइड यूज होती, साइड एंगल साइड।
अभी हमने क्या यूज करनी है यहाँ पर, आर एच एस, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। सपोज करो हाइपोटेनस नहीं देते, ये वाली साइड दे देते, तो अभी भी क्या यूज होती, साइड एंगल साइड। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन में हम इसको और भी देखेंगे आने वाली वर्कशीट में भी, उससे आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आएगी। तो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि आपको इन सारे ट्राइंगल्स में से ढूंढ के बताना है कौन सा ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रेंट है। फाइंड द पेयर ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स, पेयर ढूंढना है कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल्स का। ऑल्सो स्टेट द क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया से आपको पता चला कि वो कॉन्ग्रेंट है। चलिए देख लेते हैं, ये पहला वाला ट्राइंगल मैं इसको बोल रहा हूँ, ये देखिए 90 डिग्री है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले ढूंढ लेता हूँ ये रहा 90 डिग्री। तो ये दोनों ट्राइंगल मुझे लग रहा है कि होंगे, और भी देख लेते हैं। ये देखिए 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री, इसके सामने कितना है यहाँ पर मुझे 6 या 8, ये 8 दिखाई दे रहा है, ये भी देखिए 8 हो गया, और इसके नीचे क्या 5 सेंटीमीटर, भी 5। तो 90 डिग्री हाइपोटेनस साइड, तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, किसकी मदद से, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे वो देख लेते हैं, लिखने का तरीका भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। एंगल बी मतलब बी जो था वो किसके साथ इक्वल था, यहाँ पे एन के साथ, एन के साथ, और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो मैं यहाँ से बी से स्टार्ट करता हूँ, ट्राइंगल बी, फिर गया मैं सी और ए, बी सी ए किससे कॉन्ग्रेंट होगा, यहाँ पे क्या था एन, ठीक है। पहले मैं लिखूंगा ट्राइंगल एन, अब देखिए मैंने पहले 5 सेंटीमीटर की तरफ गया था ना, तो मुझे भी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की तरफ जाना पड़ेगा, एम, और फिर जाऊंगा ओ की तरफ, एम ओ। तो ये लिखने का तरीका होगा, और हम लिख देंगे बाय राइट एंगल हाइपोटेनस साइड क्राइटेरिया, ठीक है। हम यहाँ पे रूल भी लिख सकते हैं, क्राइटेरिया भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे क्राइटेरिया लिख देता हूँ। तो ये तो हो गया हमारा पहला वाला आंसर, आगे चलते हैं दूसरा देख लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर ये 3 और 5 दे रखा है, यहाँ पर दो ही चीजें दे रखी हैं, दो चीजों से तो हमें कॉन्ग्रेंसी मिलती ही नहीं है, हमें कम से कम 3 चीजें चाहिए होती हैं, तो ये तो यूज भी नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये 45, यहाँ पे कुछ एंगल दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 6, तो यहाँ पर ये एंगल थोड़ा सा सेम लग रहा है मुझे, 65 डिग्री, ये भी हो गया 65 डिग्री। तो इन दोनों को देख लेते हैं, चेक करते हैं, 65 65, इसके लेफ्ट साइड पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, तो इसके एक साइड पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, इस साइड दे रखा है 6 सेंटीमीटर, ये देखिए 6 सेंटीमीटर। तो कौन सी कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया हुआ, ये हो गया साइड एंगल साइड। हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये ट्राइंगल डी, अब मैं इसको 5 की तरफ ले जाता हूँ, ई और एफ, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एस, ठीक है, हमें 5 की तरफ जाना होगा, ध्यान रखें, यू, और फिर जाएंगे हम टी, और कौन सी क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो ये दोनों मिल गए, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ, यहाँ पर इन दोनों का भी देख लेते हैं, ये और ये, और एक बार, तो यहाँ पे देखिए 5 सेंटीमीटर दे रखा है, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर दे रखा है, ये 6, ये 6, और ये 6, ये भी 6, तो ये तो 2 से हो रहा है, तो इसको भी कहाँ पे हम कर लेते हैं। तो लिखने का तरीका देखिए, पहले 5 सेंटीमीटर चलते हैं, जी, और ये लाइन ये था एल, जी आई, ट्राइंगल जी आई एच, पहले जी 5 सेंटीमीटर, फिर 6। तो मैं पहले इसी तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ पर, डी ई एफ, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल डी ई एफ, कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया, एस एस एस, ठीक है। मुझे आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं एस 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 की फुल फॉर्म क्या होगी। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो हो नहीं सकता, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अब ये दोनों बच गए,
इन दोनों को देख लेते हैं अब किस तरीके से होगा। जहां तक मुझे दिखाई दे रहा है ये 135 डिग्री है, ठीक है, और ये भी 135 डिग्री, ये नीचे 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये 30 डिग्री 30 डिग्री। अगर आप ध्यान से देखें एंगल, साइड एंगल से ये हो पा रहा है, तो देख लेते हैं इसको। पहले हम इसको एंगल से ही कर लेते हैं। पहले क्या है, डब्ल्यू, ट्राइंगल डब्ल्यू, फिर 2 सेंटीमीटर की तरफ चलते हैं वी, और फिर जेड, कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल, ये हो गया क्यू, फिर 2 सेंटीमीटर की तरफ पी आर। कौन सा कॉन्ग्रेंसी क्राइटेरिया मैंने बोला है, एंगल साइड एंगल, ठीक है। तो ये हो गया आपके मैथ्स की वर्कशीट में। उम्मीद करता हूँ आपको लिखने का तरीका समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में SSS की फुल फॉर्म बताएं और बताएं कि कैसी लगी ये वर्कशीट, और अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। अभी हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट वर्कशीट जो कि है साइंस की। हमारी जो साइंस की वर्कशीट है उसके अंदर हम देख रहे हैं मोशन। पिछली वर्कशीट में भी हमने मोशन के बारे में पढ़ा था, उसकी डेफिनेशन देखी थी। आज हम देखने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और स्पीड का, इनके बीच में डिफरेंस क्या है और इनका मतलब क्या है। वी नो दैट लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब होता है स्ट्रेट मोशन, जब आप स्ट्रेट लाइन में चलते हो। इस सिंपल टाइप ऑफ मोशन टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजन। जब हमें किसी चीज की पोजीशन बतानी होती है, जैसे आप बताते हैं कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से आपको एक पोजीशन पता है। आपको एग्जैक्टली लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नहीं पता होगा, बट आपको अपना एड्रेस पता है, तो उसकी पोजीशन पता होती है कि आपका घर कहाँ पर है, आपकी पोजीशन कहाँ पर है। तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, आप दोस्त को बोल रहे हो कि घर पे पहुंचने के लिए मैं अपने घर से स्टार्ट कर रहा हूँ और दूसरे के घर में हमें जाना है, तो वो आपका जो पॉइंट हो गया वो हो गया रेफरेंस पॉइंट। आप वहां से स्टार्ट कर रहे हो, वहां से रास्ता ढूंढ रहे हो, तो उसे कहते हैं ओरिजन। ओरिजन का मतलब जहां से आप स्टार्ट हो रहे हो। द रेफरेंस पॉइंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिसाइड्स वेदर द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और इन रेस्ट। अब ये डिसाइड करता है कि मोशन आप कौन सा है, रेस्ट में है या फिर आप मूव कर रहे हो। वेदर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट इट कवर्स अ डिस्टेंस एट एन इंटरवल। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल इज कॉल्ड डिस्टेंस। आप कितना उस लेंथ पे चलते हो, कितना आप एक डिस्टेंस चलते हो, उसे कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। उम्मीद करता हूँ स्केलर क्वांटिटी याद होगी। स्केलर क्वांटिटी क्या थी, जिसके अंदर मैग्नीट्यूड होता है बस। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव एंड कैन नॉट बी जीरो। देखो अगर आप मूव करोगे, अगर आपने एक भी कदम चला, तो इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ तो चल लिया ना, वन तो चल लिया, 1 सेंटीमीटर 1 किलोमीटर 1 मीटर, तो आपने एक तो कदम चला। एज पर SI यूनिट इट इज मेजर इन मीटर। तो मतलब अगर आपको क्वेश्चन अगर डिस्टेंस निकालने के लिए दिया जाए, तो आपका जो आंसर होना चाहिए वो किस में होना चाहिए, मीटर में होना चाहिए। SI यूनिट का मतलब आप वो समझ लीजिए। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आपको उसको आंसर को मीटर में निकालना। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजिशन टू इट्स फाइनल पोजिशन इज कॉल्ड टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस हो गया, जैसे कि फिगर में दिखा रहा है, अगर आप ए से बी गए और बी से सी गए, तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 7। और अगर आप सी से वापस ए पे आ गए, तो इसका मतलब 7 प्लस 5 कितना हो गया, 12। तो टोटल डिस्टेंस हो गया आपका 12। तो टोटल डिस्टेंस होता है, आपने अभी देख लिया, ए से बी, बी से सी, मतलब कहीं पे भी जाते रहें आप टोटल डिस्टेंस को आप ऐड करते रहेंगे, तो इसलिए वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। इसलिए बोला था ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है, आप मूव करते हो। वेयर एज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज कॉल्ड द डिस्प्लेसमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको ए से सी जाना है, दो रास्ते हैं, आप पहले ए से बी जाएं और बी से फिर सी जाएं, तो ये तो हो गया डिस्टेंस। लेकिन अगर आपको रास्ता ये सीधा मिल जाए, इसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये हो गया 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ज्यादातर डिस्टेंस से छोटा होता है या फिर बराबर होता है, उससे बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये ज्यादातर यूज करा जाता है प्लेन उड़ाने में, बिकॉज आपको अगर ए से बी जाना है, सपोज करो बीच में खाई है कुछ है, तो आप यहाँ से लंबा रास्ता लेके जा रहे हो,
तो आप डिस्टेंस कवर कर रहे हो, वेयर एज प्लेन को उसकी दिक्कत नहीं है, वो सीधा ऊपर से जा सकता है, तो वो डिस्प्लेसमेंट यूज करता है फॉर्मूला। एक डिस्प्लेसमेंट में खास बात होती है कि अगर आप घूम के वापस आ जाते हैं, जैसे ए से चले फिर आप बी पे गए और बी से सी और फिर सी से वापस ए हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट उसकी क्या होगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहने का मैं फिर दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एक बंदा है वो ए पोजीशन से चल के बी गया, बी से सी गया, फिर सी से वापस ए आ गया, उसमें उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है ये हम लास्ट वर्कशीट में पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है इसके अंदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी होती है, बताता है कहाँ पर है, पॉजिटिव और नेगेटिव हमें बताता है। देखो अगर हम राइट अपनी पोजीशन से राइट की तरफ जा रहे हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर जा रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे जा रहे हैं तो नेगेटिव, ये हमने मैथ में भी पढ़ रखा है। तो वो पोजीशन भी बताता है कि उसकी पोजीशन स्टार्टिंग की पोजीशन से कहाँ पर है। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इट्स एसआई यूनिट इज ऑल्सो मीटर। तो बेसिकली डिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो मीटर होती है। तो आगे चलते हैं, स्पीड कैसे कैलकुलेट करती है। तो स्पीड बेसिकली होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे एवरेज स्पीड क्यों बोला गया, एवरेज स्पीड इसलिए बोला गया क्योंकि कभी भी आप कोई स्पीड एक्यूरेटली नॉर्मली हम नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में बोल रहे हैं नहीं निकालते। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस का मतलब हो गया जैसे आप कार चला रहे हैं तो कार हमेशा क्या होती है एक स्पीड पे नहीं चलती, अनलेस अनटिल आप बिल्कुल हाईवे पे हो और आप या फिर रेसिंग ट्रैक पे हो, तो आपकी स्पीड क्या है वो धीरे कम होती है ज्यादा होती है। तो हम क्या करते हैं टोटल डिस्टेंस निकालते हैं, मैं ए से बी तक कितना डिस्टेंस लगा मुझे, यहाँ से सपोज आपके घर से दिल्ली की अगर बात करें तो हमें लाजपत नगर से मुझे सीपी जाना है, तो सीपी तक जाने में हमें कितना डिस्टेंस लगा वो निकालेंगे और कितना टाइम लगा उसको डिवाइड कर देंगे, तो उससे मेरे पास पता चल जाएगी मेरी गाड़ी की एवरेज स्पीड क्या थी। एवरेज स्पीड का मतलब इसलिए क्योंकि हम बीच में कहीं रेड लाइट में रुके भी होंगे और साथ में कहीं ना कहीं स्पीड ब्रेकर आए होंगे, हमने स्पीड कम भी करी होगी और बीच में खाली रोड आई होगी तो तेज भी चलाई होगी, तो ये इसका मतलब हो गया एवरेज स्पीड। इसकी जो एसआई यूनिट होता है वो होती है मीटर पर सेकेंड। सो मीटर पर सेकेंड इसलिए क्योंकि मीटर हो गया डिस्टेंस के लिए और सेकेंड हो जाता है टाइम के लिए, तो दोनों की हम एसआई यूनिट लेकर मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड की एसआई यूनिट हो जाती है। और ये भी क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि ये डायरेक्शन नहीं बताती, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब हो गया सिर्फ वैल्यू बताती है, ये नहीं बताती कि कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हो आप। तो ये तो सारी की सारी बातें हो गई स्पीड के बारे में, कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। यहाँ पर राइट साइड में देखेंगे तीन ग्राफ दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये अपने आप में। तो पहला ग्राफ देखेंगे तो एकदम सीधी लाइन जा रही है, सीधी लाइन जा रही है, तो इससे हमें पता चलता है कि वो जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है उतने ही टाइम में हर बार बराबर कर रहा है। बराबर से हमारा मतलब है जैसे यहाँ से एक चला तो अगर ये देखेंगे तो यहाँ से भी एक, तो यहाँ पे इक्वल इक्वल गैप आ रहा है, ठीक है स्केल से रख के आप देखें। तो जब वो इक्वल इक्वल गैप होता है तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है ठीक है। इसमें हम क्या क्या बनता है स्ट्रेट लाइन। अगर आप ये वाला कर्व देखें, तीसरा वाला देखें, तो तीसरे वाले में सपोज करो ये एक है तो इसमें इतना चला, सपोज करो पांच चला, फिर दोबारा एक हुआ तो देखें थोड़ा सा चेंज हो गया होगा, और एक और चलेंगे तो ये गैप देख रहे हैं ये बढ़ रहा है, लास्ट एक देख लेते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे गैप बढ़ रहा है। तो यहाँ तो मैं वन 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 का ही ले रहा हूँ सपोज वन वन आवर का, लेकिन यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस टाइप को कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म, इसको हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म हो गया जब टाइम तो बराबर बढ़े लेकिन डिस्टेंस जो है वो बराबर ना बढ़े। इसमें क्या होगा, इसमें टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन डिस्टेंस क्या है वहीं का वहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया आप मुझे, इसका हो गया रेस्ट। रेस्ट का मतलब हो गया गाड़ी रुकी हुई है, हो सकता है रेड लाइट पे रुकी हुई, हो सकता है पार्किंग लॉट में रुकी हुई, तो इसका मतलब होता है रेस्ट। ये होती है पैरेलल। एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं आपसे इसी बहाने, उम्मीद करता हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इस टाइप का ग्राफ पॉसिबल है क्या, अगर मैं इसको डिस्टेंस बोलूँ इसको टाइम बोलूँ, इस टाइप का ग्राफ। तो अगर जो भी आप बताएं वो रीजन जरूर बताएं।
ठीक है, रीजन क्या है उसका। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट डिफाइन द डिफरेंस डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो ऊपर इन्होंने दे रखा था, आइए चलते हैं देख लेते हैं उनका आंसर भी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है द लेंथ, द एक्चुअल लेंथ से लेके यहाँ पर आपका हो गया डिस्टेंस, और ये एक और पॉइंट आप इसमें डाल सकते हैं, और ये आपका पूरा का पूरा आंसर हो गया डिस्टेंस के लिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से आप लिखेंगे एंड तक, ठीक है। ये हो गया आपका डिफरेंस, या आप इसको डिफाइन के तरीके से भी आप समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर टू हो गया, अ कार ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर इन 5 सेकेंड्स एंड अनदर 20 मीटर इन 3 सेकेंड्स। तो इसके अंदर आपको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिखेंगे तो इसके आगे हमें आ जाएगा 20 + 20 कितना होता है 40, अपॉन 5 + 3 कितना हो गया 8। अभी हम इसको रिड्यूस कर देंगे, 10 आया यहाँ पर, 2 1 5, तो आंसर हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो उसकी जो एवरेज स्पीड हो गई वो 5 मीटर पर सेकेंड हो गई। आइए चलते हैं अब आंसर नंबर थ्री, डिफाइन स्पीड एंड राइट इट्स एसआई यूनिट। तो स्पीड की जो है डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है, देख लेते हैं। यस, ये पहली लाइन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट में, तो यहाँ पे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी तक, और नेक्स्ट आ गया एसआई यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया आपका आंसर, नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आंसर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये फिगर दे रखा है राइट साइड में, वो पूछ रहा है कि कौन सी गाड़ी सबसे ज्यादा तेज चल रही है। तो तेज का मतलब क्या होता है, फास्ट, पहले इसका मतलब समझ लेते हैं। फास्ट का मतलब हो गया जो कम टाइम में ज्यादा चले, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज करो ये 1 घंटा है, ये 1 आवर। अब यहां से आप मेजर कर लें, आप मुझे खुद बता दें किस गाड़ी ने ज्यादा चला, ए गाड़ी ने, बी गाड़ी ने, या सी गाड़ी ने, ठीक है। अब आप मुझे इसका आंसर बताएं, ए ने चला, बी ने चला, या सी ने चला। तो इसका मैं आंसर का वेट करूंगा, आप खुद इसके अंदर जज कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। तो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को, फॉरवर्ड करें ताकि बहुत सारे बच्चों को इसकी मदद हो सके। तो अब नेक्स्ट वर्कशीट में मिलेंगे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।